प्रभुपाद को भक्तों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रश्न किया है, उसका जो उत्तर है आप लोग ये प्रभुपाद को, जो प्रभुपाद वह व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम इसी जगत में आकर के जो गौड़ीय मठ को, जो इस्कॉन नाम सुनेंगे, जो गौड़ीय मठ को इसका जो मूल संस्थापक है और राधा रानी इनको कृपा करके इसी जगत में भेजा है, क्योंकि हम लोगों को उद्धार करें। हम लोग सब भगवान की संतान है, हम भगवान को भूल करके संसार में हम सब दुख कष्ट उठाते हैं, इसलिए भगवान जगत का पिता है और राधा रानी जगत की माँ है। इसलिए पिता माता कभी भी बच्चों का दुख नहीं देख सकते, देख सकते हैं। अगर पिता माता सुखी है लेकिन बच्चे दुखी है ना, पिता माता भी दुखी रहते, रहते कि नहीं दुखी। अगर बच्चे अगर सुखी हो पिता माता के सामने, बच्चे भी खुश रहते हैं, या हमारे बच्चे खुश है, ठीक ठाक है। इसलिए अगर हम भी अगर खुश रहेंगे ना, ठाकुर भी खुश रहेंगे। अगर हम भी दुखी रहेंगे फिर हमारे पिता माता कैसे सुखी रह सकते, वो भी दुखी रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस जगत में बीच बीच में संतों को भेजते हैं, क्योंकि अभी हम भगवान भूल गए, अपनी असली घर को भूल गए, नकली घर पर घर बना दिया, और नकली जो परिवार उसको परिवार समझ गए, हमारे जो असली जो परिवार है असली परिवार को हमने भूल गए, और नकली परिवार को हम अभी परिवार मान रहे हैं। इसलिए जगत में ये जितने दुख कष्ट है, अगर असली परिवार को परिवार मान ले हैं फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। इसलिए बीच बीच में भगवान क्या करते हैं, सत्पुरुषों को गोलोक वृंदावन से अपना निज जन, अपना भक्तों को भेजते हैं, बोले जाओ उनको बताओ तुम्हारी असली घर कहाँ है, तुम असली रहने वाले कहाँ पर हो हैं। इसलिए अपने असली घर में ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। आप बोलोगे नहीं तो हम अपने घर में रह रहे हैं, आप बोलेंगे तो हम तो अपना घर में रह रहे हैं, बोले हम अपने घर में नहीं रह रहे। कब तक घर में रहेंगे, जब तक ये शरीर है ना, शरीर छुटेगा तो घर से घटना भी रहेगी, नहीं देंगे फिर यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो हैं। फिर हमारे देश में क्या करते हैं, तो रास्ता में कांटा गाड़ देते हैं, दोबारा फिर नहीं आ जाए। फिर घर को सामने लोहे रख लेते, जो भूत होते हैं ना वो लोहे को क्रश नहीं करते, बोले दोबारा घर में घुस नहीं गए। फिर जिसने घर दुकान बनाया, जिसने सब कुछ है लेकिन केवल शरीर से परमात्मा चले गया, तो उस घर में बोले भैया घर में दोबारा घुस नहीं जाए। फिर इसलिए बीच बीच में भगवान जगत में गोलोक वृंदावन से संतों को भेजते हैं, जाओ उनको बोलो, बोलो क्या बोलो, ये तुम्हारी घर नहीं, तुम
तो हिंदू जी होकर के दो दिन के लिए यहाँ पर आए हो, करुणा में कितना लोग चले गए ना, कितना लोग गए कहा, घर होता तो क्यों जाते, इसलिए उनको भक्तों ने अलग अलग समय पर उनका अलग अलग उन्हें प्रश्न किया है, उन्हें जो उत्तर दिया है ये ग्रंथ है। आज एक प्रश्न और एक का उत्तर सुनेंगे, ठीक है। इसने प्रश्न किया है ये संसार से कौन उद्धार हो सकता है, संसार से किसको मुक्ति किसको मिल सकती है, हैं हम चाहते ना हमें मुक्ति मिले, मुक्ति मिले चाहते ना हमें मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए मतलब क्या, ये संसार का जो दुख कष्ट में हम पड़े हुए, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई जेठ से दुखी, कोई देवारिणी से दुखी, दुखी दुखी है कि नहीं सब, सुखी कोई क्या है, सब दुखी है। इसलिए कहती है दुख से कौन उद्धार पा सकता है, ये दुख से कौन उद्धार हो सकता है, ये दुख से, देखो इसका उत्तर सुनेंगे ना, हम भी ये दुख से उद्धार हो जाएंगे। इसका उत्तर देते हैं, जखन ही हमारा भगवान सेवा करव ना, तखन ही अन्य चिंता व भोग बुद्धि ऐसे हमारी के ग्रास करे। देखो जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो माया की सेवा कर, नहीं तो ठाकुर की सेवा कर। लेकिन जब ठाकुर की सेवा करेंगे माया अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन जब माया की सेवा करेंगे फिर तो भगवान भी हमसे धीरे 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 ठाकुर भी हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं फिर ये क्या करो, फिर हर समय ये मन को भगवान की चरण में लगा करके रखो, ठाकुर को चरण में लगा करके रखो। बोले हम थोड़ी साधु संत दिन भर माला लेकर बैठ रहे, हम तो घर की रहती है ना, बीवी बच्चे बहू बेटा है ना, नाती पोती है, फिर हम दिन भर जब माला लेकर भगवान की भजन करते रहेंगे फिर संसार कैसे चलेगा। बोले जब माला लेकर दिन भर बैठने का जरूरत नहीं है, है लेने का जरूरत नहीं, जो कुछ कर रहे हो ठाकुर जी के लिए करो, घर में खाना बनती ही नहीं रहो, बनती है ना, तो किसके लिए खाना बनाते हो, अपना लिए नहीं, किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, हमारा हो गया, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, अगर कुछ होगा नहीं क्यों पैसा कमा रहे हो, ठाकुर का सेवा लगेगा, पैसा नहीं होगा तो ठाकुर का सेवा कैसे होगी, अपना घर सुंदर बनाओ। बोले क्यों, ये घर नहीं भगवान की मंदिर है, भगवान की मंदिर है, देखो कितना सुंदर मंदिर बनाया घर में, ठाकुर जी का स्थापन किए, सवेरे उठते क्या चिंता रहती है, ठाकुर का कब आरती उतारेंगे, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना के नहीं, घर को साफ कर दो, घर किसका है, ठाकुर जी का मंदिर है, घर ठाकुर जी का मंदिर है ना, नाती पति हुए किसने दिया है, ठाकुर ने दिया है, किसने दिया है, ठाकुर ने दिया है ना, ना और किसने दिया है, ठाकुर ने दिया है। इसलिए कहते हैं अगर दिन भर अगर भगवान के लिए अगर दिन भर ये मन को अगर भगवान की सेवा में लगा कर रखोगे फिर तो मन माया अपने आप माया अपने आप दूर हो जाएगी, माया को छोड़ने का जरूरत नहीं है। कोई बोलते ना छोड़ो काम छोड़ो क्रोध छोड़ो लोभ छोड़ो, लेकिन हमारे संत लोग कहते छोड़ना नहीं का जरूरत नहीं, जोड़ो, ये सब दुनिया किसने दिया है, काम क्रोध दिया किसने, किसने दिया है, भगवान ने दिया है ना, है ठाकुर ने दिया है ना, दिया किसने। इसलिए कहते नरोत्तम दास ठाकुर कहते काम कृष्ण कर्मार्पणे, अरे काम को कहाँ लगाएंगे, गोपियों के हृदय में कृष्ण का प्रति काम था प्रेम था तभी तो कृष्ण को पाए ना, तभी तो कृष्ण मिले, ये तो कृष्ण कहाँ से, लेकिन वो काम को कहाँ पर लगा दिया, कृष्ण ही हमारे प्राण प्यारे, कृष्ण ही हमारे पति है, हृदय में काम थी तब उन्होंने कृष्ण में लगाया, बस भगवान मिल गए। क्रोध है, क्रोध करना गंदी चीज है, लेकिन क्रोध भी जरूरत है, एक नहीं जरूरत है, नहीं इसलिए हनुमान जी क्रोध दिखाया कहाँ पर, जब रावण ने माता सीता को उठा कर ले गया, दुष्ट मैया सीता को उठा कर ले गया, अभी तेरे को दिखा था पूरा लंका जला दिया, जला दिया कि नहीं। घर में अगर बच्चे कोई गड़बड़ी काम करते हैं, ठाकुर की भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, दिन भर टीवी खोल कर बैठे हुए, स्मार्ट फोन लेकर बैठे हुए, भगवान की भजन भक्ति के नहीं, उसमें क्रोध की जरूरत है। ले बेटा दिन भर क्या स्मार्टफोन देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, अरे थोड़ी सी भगवान का नाम जप कर, राधा हरि का नाम ले, दिन भर टीवी को सामने लेकर बैठे हो, हैं
ले भगवान की सेवा कर, भगवान नाम जप कर, प्रादरता पर भगवान। क्रोध की जरूरत है, लेकिन क्रोध कहाँ पर लगाओ? भगवान की भक्ति के सेवा में लगाओ क्रोध को। हैं, कोई अगर बिना भोग लगाए ठाकुर को खाते हैं, बोले अभी तक ठाकुर को भोग लगाने लगाने तुमने खाना शुरू कर दिया, आज जो कुछ खाओ ठाकुर को तो भोग लगा कर खाओ, कब से कब ठाकुर को भोग लगा कर से खाओ, यहाँ पर क्रोध की जरूरत है, समझ रहे हो? हैं, इसलिए क्रोध कहाँ पर करो? बोले भगवान की जो भक्ति नहीं करते, जो द्वेषियों के ऊपर में, बोले लोभ कहाँ पर लगाओ? लोभ को भगवान की हरि कथा में, हरि कथा में लगाओ। है, जैसे लोभ हो अच्छी चीज है, लोभ होनी चाहे गंदी चीज में नहीं, भगवान की भक्ति में। देखो वो लोग कहाँ से आए, कहाँ से माता जी आए हो? हाँ, दूर से, हाँ 22 किलोमीटर आगे, उतने दूर से वो कथा सुनने के लिए कल से आए हरियाणा में कथा। ऐसे निकल कर देखो, ये रसिया से आए, ये रसिया से आए, इसलिए उन्होंने, इन्होंने भी कहाँ से आए, कितना दूर से, करोड़ लाख रुपया खर्चा करके रसिया से आई है, हैं? कितना पैसा खर्चा करके, बोले क्यों? लोग हरी कथा सुनेंगे, ठाकुर जी की हम कथा सुनेंगे, इसलिए देश छोड़ करके विदेश से आए, इसलिए शांति तो भगवान की कथा में, शांति तो भगवान की भक्ति में है। हम अभी जिस सुख के लिए हम तरस रहे ना, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी बनाएंगे, बढ़िया बाड़ी बनाएंगे, बढ़िया शांति सुख में रहेंगे, लेकिन इन लोगों ने ये सब चीज भोग करके छोड़ दिए, बोले इसमें कोई शांति सुख नहीं है, शांति सुख तो भगवान की भक्ति में है। जैसे कि पिंजरा है, हैं? पिंजरा में एक तोता रहता है, अगर हम तोते को खाना नहीं खिलाए, दिन भर केवल पिंजरा को पेंटिंग करते रहे, बताओ तोता जिंदा रहेगा ना, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। हम ऐसे ही कर रहे, दिन भर बढ़िया खिलाओ शरीर को, बढ़िया सूट सलवार पहनाओ, है, और बढ़िया जीव में जाओ, और ये शरीर को केवल, लेकिन अंदर में जो तोता बैठा है ना, आत्मा है, उसको आहार नहीं दे रहे, उसकी आहार नहीं दे रहे, केवल ये शरीर को ही भोजन करा रहे हैं, हैं? नहीं भैया, अंदर में जो आत्मा बैठा है ना, ये शरीर के भोजन तो दाल भात सब्जी ये है, लेकिन अंदर में जो आत्मा बैठा है, इसका भोजन क्या है? ठाकुर का भजन, भगवान की भक्ति, उसका ही आहार है। अगर उसको आहार नहीं दोगे ना, बस तोता खत्म, तोता खत्म हो जाएगा, है? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, जब ये मन को हर समय भगवान की चिंता में लगा करके रखे, जो कुछ करे, मतलब जो कुछ करे भगवान से चिंतन करते, घर पोछा लगाए तो भगवान के मंदिर, दूसरों से बना तो ठाकुर के लिए बना रहे हैं, अगर बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हो, शरीर को साफ करते, बोले क्यों? बोले गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे, अच्छे शरीर से अच्छे कपड़े पहने करें तभी तो ठाकुर को सेवा करेंगे, नहीं तो करेंगे कैसे, ठीक है ना। इसलिए हर चीज को, हर चीज में भगवान को याद रखने का जरूरत, हर चीज में, कोई चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भक्ति में जोड़ो, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। इसलिए यह कहते हैं, तखन ही अन्य चिंता और भोग बुद्धि ऐसे अमर जीव के ग्रास करे, लेकिन जब हम भगवान को साथ में संबंध नहीं जोड़ करके, केवल ये शरीर को साथ में संबंध जोड़ कर, ये मेरा, ये बहू मेरी, बेटा मेरी, नाती पोती मेरे, मेरे मेरे मेरे, देखना बकरी मैं करता है इसलिए मरता है, बकरी मैं करता है ना इसलिए मरता है, इसलिए मैं नहीं करनी चाहिए, मैं मेरा नहीं करनी चाहिए, है, करनी चाहिए, मैं कौन हूँ? भगवान का दास हूँ, इस जगत में जो कुछ वस्तु है किसके है? ठाकुर जी ने दिया है, ठाकुर जी, बस दिन भर मैं नहीं करनी चाहिए, इसलिए फिर माया हमको पकड़ेगा। करुणा में श्री कृष्ण एक विपद है आमादी रक्षा करवार जन्न सर्वताई प्रस्तु, भगवान बड़े दया, भगवान ठाकुर जी बड़े कृपा, जी लगत है कृष्ण करुणा से लो, भगवान करुणा के समुद्र, दीन बंधो, दीनों का बंधु ठाकुर, हैं? हर समय ठाकुर जी, शास्त्र ने बताया, भगवान जीव को पूछे, बेटा क्या करोगे? तो मेरी भक्ति करोगे तो धाम में जाओगे, आनंद आनंद, अगर माया की सेवा करोगे ना फिर तो डंडा पड़ेगा, तब क्या करोगे? लेकिन हम लोग ने ना ठाकुर का सेवा में नहीं चुना,
ठाकुर का भक्ति सेवा नहीं चुने, हमने बोले नहीं, जो माया है ना ऊपर में देखने के लिए बड़ी सुंदर है, माया बड़ी सुंदर ऊपर से है, ऊपर से बड़ी सुंदर माया देखने में, इसलिए हमारे गुरु जी मथुरा भट्ट में एक सुंदर छवि बनाया, एक तरफ माया और एक तरफ में भगवान का जगत दिखाया, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक तरफ में साधु खड़ा हुआ, दूसरे तरफ में माया खड़ी हुआ, और जिधर साधु खड़ा हुआ है ना उधर पूरा प्रकाश प्रकाश प्रकाश, साधु कहता देख बेटा तू इधर आ जा, भगवान की भक्ति कर भजन कर, जहाँ प्रकाश प्रकाश, देखो सीधा ये लाइन भगवान तक गया, कहाँ गया भगवान तक गया, अगर इस तरफ भी तो आओगे ना सीधा गोलोक वृंदावन ठाकुर तक जाओगे, दूसरे तरफ में माया खड़ी है, माया जिस तरफ में माया खड़ी है ना एकदम अंधकार अंधकार, उधर भूत पिशाच डाकी साकी भयंकर जानवर खड़े हुए, माया कहती है इधर इधर देख, उधर क्या देख रही, इधर देख मेरे तरफ में देख, देख कितना सुंदर ये, इसलिए लेकिन उसको क्या दिखा रहे, अगर इधर तू जाओगे तो दुखी दुखी होकर, जो बीच में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है ना कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, अभी किधर जाए कभी किधर देखता है, किधर जाए किधर जाए किधर जाए, है दोनों तरफ में देखता रहता है, लेकिन बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो संतों की वाणी को सुन करके भगवान की तरफ में जाते हैं और ठाकुर तक चले जाते हैं, लेकिन प्राय करके अक्सर करके जो जीव है माया की मोहन तक देखकर सुंदर तक देखकर के वो माया में चला गया, और माया में आने पर फिर तो दुख कष्ट भोगना ही, संसार में फिर दुख कष्ट भोगना है, भोगना एक दुख कष्ट है, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर ये कह रहे हैं भगवान दयालु कृपालु बड़े कृपालु ठाकुर, लेकिन जब पिताजी के सामने जो अथाह संपत्ति है, पिता माता कहते देख बेटा अगर तुम मेरा सेवा करोगे ना ये सारी संपत्ति के मालिक तू बने, अगर हमारे बात नहीं सुनोगे तो फिर जाओ जो कुछ करना कर, लेकिन जो बेटा क्या करता है बोले तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तो माया की बात सुनेंगे, दुनिया की बात सुन, जा जा फिर तो जीव क्या होता है भटकता है, दुख कष्ट को भोग करता है, दुख कष्ट को भोग करता है, जब दुख कष्ट को भोग करता है ना फिर क्या होता है, दुख कष्ट को जब भोग करता है फिर क्या होता है, फिर जीव जब दुख कष्ट भोग करता है ना फिर भगवान कि हम बच्चे हैं ना ठाकुर के बच्चे हैं ना, ठाकुर जी हमारे पीछे 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 मुझे ठाकुर जी भागते बोले बेटा मेरी इतने संपत्ति मैं चाहता हूँ तुम मेरे बात सुने, सारी संपत्ति का तुम मालिक बन, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन, तो दुनिया के बच्चों की बात सुनता हूँ, देख बेटा अगर मेरे तरफ झांक कर तो देख एक बार, अगर इतना आकर के पिताजी को चरण छू लिया बोले पिताजी हमारी गलती हो गई माफ कर दो, पिताजी बहुत भरने लगे नहीं, लेकिन हम चाहते नहीं भगवान के शरण में जाए, असली पिता के शरण में जाए, ठाकुर जी एक्सक्यूज मी मेरे हमारे अपराध को माफ कर दो जो कुछ हो गया, ठाकुर जी बहुत इसलिए भगवान हर समय प्रस्तुत है, भगवान बड़े दयालु कृपालु हमें उद्धार करने की हर समय तैयारी ठाकुर जी, लेकिन हम तैयार नहीं हो रहे ठाकुर के शरण में जाने के लिए, दुनियादारी की बात सुनने के लिए तैयार, लेकिन भगवान की बात सुनने के लिए तैयारी नहीं, इसलिए कहते हैं सर्वदा प्रस्तुत, क्योंकि हमारा तार ऊपर संपूर्ण निर्भर ना कर ले की कर रखिया बाबो, अगर भगवान जो गीता में क्या कहते हैं अर्जुन तो सब छोड़ करके मेरे शरण में आ बेटा, मेरे शरण में आओगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे, इसलिए मन में ना भव मन को और किसको मत दो, मत भक्त भव और किसका भक्त मत बन, माम जाजी पूजा और किसको मत कर मेरी पूजा कर, माम नमस्कुरु तू नमस्कार मेरे को कर, क्यों तू मेरा तो बच्चा है ना तेरा करते हुए तो मेरी करना मेरे को करना, फिर करने से माम एससी क्या होगा मेरे गोलोक वृंदावन को प्राप्त करोगे, जहाँ जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद आनंद है, अभी कहते संपूर्ण निर्भर कर ले कर रखिया बाबो, कृष्ण जीव के गुरु रूप रखिया गया था के कृष्ण कृपा मूर्ति है न गुरु, अभी ठाकुर जी जीव को पर कैसे कृपा करेंगे, बोले कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, मतलब
अगर भगवान किसको ऊपर में कृपा करना चाहते हैं, किस रूप में कृपा करेंगे? बोले गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया, कहते भगवान स्वयं एक गुरु रूप धारण करके फिर हमारे पास में आए, गुरु रूप धारण करके आते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं जब किसी जीव को मैं कृपा करता हूँ ना, फिर कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, गुरुदेव कौन है? कृष्ण कृपा की जो आनंद मूर्ति से गुरुदेव, फिर भगवान गुरु रूप में हमारे पास में आते हैं, हमें समझाते हैं बेटा भगवान की भजन कर, तू भगवान की औलाद हो, भगवान को भूलने का भजन शुरू कर, तुम वो कर रहे हो बेटा, ठाकुर की शरण, ठाकुर की शरण में चले जा, आनंद ही आनंद। एक छोटा स्टोरी सुनो, एक समय कोई एक राजा था, राजा का कोई बेटा था, एक दिन बेटा ने कुछ गलती की, इतने में राजा ने उसको डांट लगाई, जो डांट लगाई बच्चा बड़ा हो गया था, बोले क्या पिताजी हमें से डांट लगाए, सबको सामने ऐसे गुरुदेव पिताजी हमें डांट लगे, अपमान किया, मैं राज्य में नहीं रहूंगा, उन्होंने राज्य छोड़कर पिता को छोड़ दिया। लेकिन पिता तो अथा संपत्ति राजा है, अभी क्या कर रहा है, कहीं तो पेट पालेगा, घर में तो रहते हुए कोई चिंता नहीं खाने पीने का, बाहर जाओ तो कोई थोड़ी खिलाएगा, खिलाएगा कोई नहीं खिलाएगा, अभी बाहर में जा करके किसी चाय की दुकान में काम करता है, वहां प्लेट धोता है, पेट पालने के लिए प्लेट धोता है और किसी तरह से रोटी खाता है। राजा तो बड़े दुखी, एक बेटा जो सिंहासन में बैठने वाला था छोड़ के चला गया, अभी राजा बड़े दुखी। उसका जो मंत्री था ना, देखा राजा हर समय कुछ चिंता करते रहते, कुछ चिंता करते रहते, इनकी मन में शांति नहीं है। एक दिन मंत्री ने राजा से पूछा, राजा आप दुखी हर समय क्यों रहते हो, अब दुखी क्यों रहते हो, आपको देखता हूँ मन में शांति नहीं है, आपको हर समय कुछ सोचते रहते हो। जो बोले ना, इतने में राजा में रोक, बोले मंत्री मेरा एक ही औलाद था, कुछ गलती किया, मैं उसको डांट लगा दिया तो उसने मेरे को छोड़ कर चला गया, अभी मैं सोचता हूँ राज सिंहासन कौन संभालेगा, अभी बच्चा कहाँ किस हालत में क्या कर रहा है, क्या राजमहल में राजभोग खाता था छापन भोग, अभी कहाँ कैसे कर रहा है। बोले राजा अगर आपका आदेश को ढूंढने के लिए जाओ बच्चे को, बोले बहुत अच्छा होगा, तीन बार ढूंढ कर देखो कहाँ है, ढूंढते 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 जाकर देखा वो एक चाय वाला का दुकान में प्लेट धो रहा है, और लोग खाने के बाद टेबल साफ करते हैं ना, वो टेबल साफ करे। मंत्री बोला हाय कहा राजा के बेटा क्या कर रहा है, झूठा बर्तन को धो रहा है और टेबल साफ कर रहा है। इतने में मंत्री ने क्या किया, वो डायरेक्ट आकर कुछ बोला नहीं, मंत्री ने आकर के ना उसी दुकान में काम करना शुरू कर दिया, करते करते एकदम उसकी घनिष्ठ मित्र बन गए, एकदम घनिष्ठ मित्र। देखना जो बात कभी कभी परिवार में नहीं बोल सकता है ना, बच्चा मित्र को बोल देता है, बोलता कि नहीं, कभी कभी ऐसे कुछ बात होता है जो बात पत्नी को भी बोल नहीं सकता, जिस बात पति को भी नहीं बोल सकता, जिस बात पिता को भी नहीं बोल सकता है, कभी कभी होता है ना घर में परिवार में ऐसे कुछ का बात होता है जो किसको बोल नहीं सकता, किसको बोलता है, मित्र को बोल देता है, देख भैया क्या बोलूंगा, ऐसे कुछ संसार की बात जो किसी को नहीं बोल सकता, तो मेरी मित्र हो इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, इसलिए उनका घनिष्ठ मित्र बन गया, मित्र बनकर एक दिन मंत्री ने पूछा बेटा ये बात बताओ, मुझे बताओ, मैं तुम्हें देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े लंबे चौड़े सुंदर लग रहे हो, राजकुमार जैसे लग रहे हो, लेकिन तो ये दुकान में चाय दुकान में क्यों काम करते हो, एक और बताओ तुम, आस इतना रोना शुरू कर दिया। बोले क्या बताओ, हमने सारी बात बताए, मैं अमुक राजा का मैं बेटा हूँ, कभी मैंने गलती किया तो पिता को इस मेरे को डांट लगा दिए, मैंने अभिमान करके पिताजी को छोड़ करके यहाँ पर आकर के चाय की दुकान में काम कर रहा पेट वाला। बोले तब मंत्री ने कहा तो देखो बेटा घर में जाना चाहते हो, घर में जाना चाहते हो? बोले जाना तो चाहता हूँ, अभी सोच रहा हूँ पता नहीं पिता रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तब उन्होंने बोले देख बेटा मैं उसी राजा का ही मंत्री हूँ, राजा ने मेरे को भेजा है, तू जितने दुखी है ना तेरे से ज्यादा दुखी तेरे पिता है,
ज्यादा दुखी तेरे पिता है, तेरे से ज्यादा दुखी, इसलिए तेरे को ढूंढने के लिए मेरे को ने यहाँ तक भेजे, इसलिए वो चाहते एक बार तू आ जा, बस पिताजी को इतना बोल दो पिताजी माफ कर दो, बस इतना और क्या, बस तो ले आए, जो ले आए पिताजी चरण छुए, पिताजी मेरी गलती यार, पिताजी ने है भर ली। उसी तरह हम किसके बच्चे हैं, हम अमृतस्य पुत्रा भगवान के बच्चे, लेकिन उनके भूलने का वजह से संसार में जितने सारे दुख कष्ट उसको भूलने का, बस इतने केवल कहने का जरूरत, ठाकुर जी माफ कर दो बस। इसलिए कहता अगर कोई कृष्ण को कृष्ण पर राखो बोल, यदि एक बार अगर किसी ने एक बार बोल दे ठाकुर जी मेरे आपका शरण में स्थान दे, हमें रक्षा करो, मैं तुम्हारा तुम मेरा बात कितना बोलते ठाकुर जी उसको ग्रहण कर लेते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो, लेकिन ये जो मंत्री कौन था, मंत्री मतलब गुरुदेव, मंत्री मतलब गुरुदेव, ये भगवान की प्रतिनिधि, भगवान गुरु रूप इस जगत में आते हैं, क्यों ये जीव गोबर में कृपा करने के लिए ठाकुर जी गुरु रूप में आते हैं, हमें समझाने के लिए। फिर गुरु जी क्या करते हैं, हमें लेकर के कहाँ तक पहुंचाते हैं, ठाकुर तक पहुंचा देते हैं, भगवान तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कहते कृष्ण कृपार मूर्ति वाले गुरु, कृष्ण प्रतिनिधि श्री गुरुदेव, जीव के संसार है तो उद्धार करे, कृष्ण निकट लिए जावार जन्ने की जगत आसे, बोले जो गुरुदेव भगवान का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि रूप में आकर के गुरुदेव जीव का संसार से उद्धार करने के लिए, भगवान तक ले जाने के लिए इस जगत में हमारे पास में आते हैं। जे सब भाग्यवान सज्जन से ही गुरुदेव रे कृपा आदर ग्रहण करे, ताहर ही संसार तक उद्धार पिए पराशांति धाम जत पारे। इसलिए कहते अभी गुरु जी की शरण में कौन जाते हैं, तो सब नहीं जा सकते, भाग्यवान। इसलिए महापुरुष कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति बता जी, संसार भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को फिर गुरु कृष्ण की कृपा मिलता, सौभाग्यवान मतलब जिनकी कोटि कोटि करोड़ों करोड़ जन्म का जिसकी पुण्य उदय हुआ हो, इसके अंदर सुकृति हो, भक्ति उन्मुखी जो सुकृति किया भगवान साधु संत के लिए ठाकुर जी के लिए जो किया, उसी व्यक्ति को ही क्या होता है जीवन में सद्गुरु भगवान प्राप्त होते हैं। फिर भगवान की भक्ति करते 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 क्या होता है, ठाकुर जी के शरण में ठाकुर को पास में जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कौन संसार से उद्धार हो सकते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं वही व्यक्ति उद्धार हो सकते हैं जो ठाकुर गुरु जी के आश्रय लेते हुए जो भगवान की भक्ति करे, वही केवल संसार से उद्धार हो सकते हैं। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल अच्छा कल कृपा सिद्धा पावन हो वैष्णव हो नम, हरे कृष्णा 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 हरे राधे हरे राम हरे और ब्रह्मा ने ऐसे से गुरु।